अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 13 तक के जितने इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वो करवाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 से लेके और क्वेश्चन नंबर 18 तक सारे कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव क्वेश्चन हैं सारे करवाऊँगा। इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ईजिली हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बल्कि अब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मैथ में जब देखेंगे तो 95% क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं, लेकिन 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपका जनरल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, बल्कि कोई ख़ास तरीक़ेकार होता है या ये कह लें कि उसको तरीक़ेकार को आपने याद करना होता है, उनमें से क्वेश्चन नंबर 18 है। बाकी क्वेश्चन जो है वो आराम से कॉन्सेप्ट ही हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। जैसा क्वेश्चन मैंने 13 में मैंने कराया था कि इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड यानी सीकेंट थीटा और टेन थीटा को लेके भी राइट हैंड साइड बना सकते हैं, लेकिन आपको बताया था कि जब कभी 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा या इसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा हो तो हमेशा इस वाली साइड को लेकर रैशनलाइज कर लें तो दूसरी साइड आसानी से बन जाती है। लिहाजा इसमें हम लेफ्ट की बजाय राइट हैंड साइड को ले लेंगे 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा और इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका बताया था कि जो भी इसके डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया उसके कॉन्जुगेट पे से उसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। यहाँ पे क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा है लिहाजा 1 माइनस साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई भी किया और 1 माइनस साइन थीटा से इसको डिवाइड भी किया। अब ऊपर हो गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा तो ये होल स्केयर बन जाएगा, क्योंकि जब दो सेम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो होल स्केयर बन जाती है। इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्केयर और नीचे है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक दफ़ा पॉजिटिव है और एक दफ़ा नेगेटिव है। जब भी दो वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ और उनका प्रोडक्ट ले आ जाए तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिहाजा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, आइडेंटिटी नंबर 1। ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। वजह भी इसकी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बनाने की, क्योंकि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो सीकेंट और टेन बनाना है और सीकेंट और टेन दोनों का डिनोमिनेटर जो होता है वो कॉस थीटा में होता है। लिहाजा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का लिखेंगे तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था लिहाजा उनको एक ही एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब क्योंकि हमने सीकेंट और टेन बनाना है लिहाजा इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 ओवर कॉस थीटा होता है सीकेंट थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, लिहाजा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन गया विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 15, 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से साफ जाहिर है कि जहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है तो उसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करके इजीली कर सकते हैं, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगेन क्योंकि डिवाइड होने के बाद नीचे फ्रैक्शन बनेगा लिहाजा उसको मैंने डिवीजन के साइन के साथ सेपरेट कर दिया। 2 इंटू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम ले लें, 2 इंटू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा वैसे ही आ गया डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अगेन 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, अब इसका डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें उसका रेसिप्रोकल ले लें कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है आइडेंटिटी के मुताबिक, एस की जगह 1 आ गया। अब आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा था और नीचे कॉस थीटा था, एक कॉस थीटा इसके साथ कैंसिल हो गया ये वाला कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है वो पुट कर दी और फिर 1 एज अ डिनोमिनेटर नहीं लिखा जाएगा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 16,
1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसकी कोई भी साइड हम लेके दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ 1 माइनस साइन थीटा है और दूसरी तरफ 1 प्लस साइन थीटा है, यानी रैशनलाइजेशन के जरिए हम कोई भी साइड को दूसरी साइड के इक्वल इजीली बना सकते हैं। जैसे इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा के कॉन्जुगेट पेयर से यानी 1 प्लस साइन थीटा से, तो मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन थीटा से, साथ ही डिवाइड भी कर दिया 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर फार्मूला बन गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन को कन्वर्ट करके कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें न्यूमरेटर में कॉस थीटा चाहिए, इसलिए साइन को खत्म कर दिया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा था, एक नीचे कॉस थीटा था, तो एक कॉस थीटा उसके साथ कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग होगा ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप चाहते तो इसको राइट हैंड साइड को भी आप कर सकते थे, यानी इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हो वो इजीली खुद बखुद बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा और कॉस सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वही जो आपको तरीका बताया है कि जब टेन और कॉट दिया हो तो हमेशा उस साइड को लेना चाहिए, वो आसानी से साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, टेन थीटा की जगह आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा की जगह आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा, और इसका सारे का होल स्क्वायर। अब नीचे एलसीएम लिया, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम आ गया, यहाँ कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, और साइन को थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया वो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता ही आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसकी जगह 1 पुट कर दिया, 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा। अब इसको क्योंकि हमने राइट हैंड साइड को देखा सेकंड और कोसेकंड में कन्वर्ट करना है, जैसे इसको अलग अलग ब्रेक कर लें, हम इसको यूँ ले सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा। अब 1 ओवर कॉस थीटा वो आपका सेकंड थीटा है, और 1 ओवर साइन थीटा आपका कोसेकंड थीटा, उसका होल स्क्वायर लिया, फिर होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, ये बन गया सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकंड स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अभी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये सारे जितने क्वेश्चन हैं ये हमने कॉन्सेप्ट के साथ किए हैं और ईजीली हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है जिसको आपने याद रखना है कि उसको कैसे करना है। वैसे इसको भी करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, लेकिन आसान तरीका बताने लगा हूँ आपको। टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे हम स्टार लिखेंगे, एज वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, जो आइडेंटिटी में थी उसमें आइडेंटिटी नंबर 2 थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। लिहाजा अगर मैं इन दोनों एंगल्स को एक तरफ इकट्ठा कर दूँ तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका क्या फायदा होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 है, तो 1 की जगह हम उसको आइडेंटिटी में यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। बस ये बात आपने याद रखनी, लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस, अब 1 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सारे क्वेश्चन को सीकेंड और टेन में कन्वर्ट कर लिया, जबकि डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज रहने थे, उसको चेंज नहीं किया। यानी जो ऊपर न्यूमरेटर में 1 था उसकी जगह मैंने सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्लेस कर दी। अब आपको पता ये फार्मूला बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको हम लिखेंगे एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। अब टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा है तो उसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में लगा दिया माइनस, इस पर फार्मूला अप्लाई किया यानी एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ, तो यह आ गया सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि दो टर्म बन गई, यहाँ पे सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इसमें भी है और सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इसमें भी है, तो उसको कॉमन करके वाई निकाल दो, तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया अंदर, ये क्योंकि पूरी टर्म बाहर आ गई इसकी जगह 1 आ गया माइनस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा वैसे ही आ गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर दें, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अब गौर से देखें 1 माइनस सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और नीचे है टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, यानी टर्म्स एक ही जैसी हैं, सिर्फ ऑर्डर का फर्क है,
तो हम ऊपर वाले का भी ऑर्डर वही कर देंगे जो डिनोमिनेटर में था। हम इसको ये लिख सकते हैं सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस वन, और नीचे था टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस वन। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, उसको हमने कटिंग में निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग आंसर होगा वो होगा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। रिवाइज करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 से लेके और क्वेश्चन नंबर 18 तक कंजेकटिव क्वेश्चन हैं सारे 14, 15, 16, 17 और 18। जो नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 17 तक हैं वो वैसे जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर आपके पास टैन और कॉट की वैल्यूज हैं तो उनको साइन और कॉट में कन्वर्ट करके करें और आसानी के साथ एक साइड दूसरी साइड के इक्वल आ जाएगी, और जहाँ कहीं वन माइनस साइन थीटा या वन प्लस साइन थीटा या वन प्लस कॉस थीटा या वन माइनस कॉस थीटा वाली वैल्यू दी हो तो हमेशा उसको रैशनलाइज करें, और रैशनलाइज करने के बाद दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आसानी से बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 जो उनसा था उसको हमने सिर्फ मैंने आपको बताया था कि ये उन टिपिकल क्वेश्चन में से है जिसको हम डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ अगर वैसे प्लेस करें तो सवाल शायद मुश्किल से हो जाएगा, लेकिन इसका आसान तरीका है कि ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि इस तरह का क्वेश्चन जिसमें टेन और सीकेंट आ जाए या इसी तरह कॉट और कोसिकेंट होता तो हम आइडेंटिटी से वैल्यू निकाल के न्यूमरेटर में पुट करेंगे और फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जो वैल्यू एक जैसी हो जाएगी उसको कटिंग के जरिए निकाल देंगे। इसमें क्या किया कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, वहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन निकाल ली वैल्यू, और इसके न्यूमरेटर में वन की जगह वो वैल्यू प्लेस कर देनी है। वो फार्मूला बन जाएगा एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, फिर उसको कॉमन करें, जब कॉमन करेंगे तो उसको रीअरेंज करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू सेम होगी उसको कटिंग में निकाल दें तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली आ जाएगी विच इज रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से लेके और क्वेश्चन नंबर 24 तक क्वेश्चन रह गए, इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा इसी मैथ का उसमें आपको बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन करवाऊंगा। होप यू अंडरस्टैंड।